गौतम चौधरी, और यह भी 2019-2020 में ये काफ़ी टाइम से एजुकेशन में काम कर रहा है, और एजुकेशन में काम करते करते इसके मन में कुछ विचार आए और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने अभी मिसाइल पर काम किया है। और ये अभी इंडिया के उभरते हुए एक यंगर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे की जर्नी, जब कोटा में ये फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ की जर्नी कुछ बताएंगे, फिर आगे जाके मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या थीम थी, क्या सोच थी। और मैं बताना चाहूंगा कि गौतम चौधरी सबको उस तरीके से बताएं कि एक जो युवा है और जो इंस्पिरेशन ले रहा है उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इन लोगों को कैसे, जो एक युवा पीढ़ी है उसे कैसे काम करना चाहिए, उनका वे ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए। और सबसे पहले मैं गौतम की मदर को आमंत्रित करूंगा, और धन्य ऐसी माँ को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो गौतम की मदर, और ये गौतम चौधरी, धन है ऐसे बच्चे को, मैंने इस दुनिया में बहुत काम किया, काफी 10 साल से मैं काम कर रहा हूं इसमें, बट मैंने कुछ बच्चों को ऐसा देखा है कि 2019 में इंडिया का यंगेस्ट साइंटिस्ट भी फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा राजस्थान से ही था, वो भी हमारा स्टूडेंट था, और वो करंटली अभी MIT में जाकर अपनी रिसर्च कर रहा है। और MIT में रिसर्च करने के बाद अभी 2020 में भी एक इंडिया का थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो भी करंट वर्थ जस्ट 12th के बाद अपना काम कंटिन्यू कर रहा है वो भी, और उसमें अपनी थ्योरी को कैम्ब्रिज में हम लोग दिए हुए हैं, और बहुत जल्द उसका रेस्पॉन्स आने वाला है। वो बच्चा थर्ड राउंड में है। उसी सीक्वेंस में, उसी सिनेरियो में ये गौतम चौधरी भी अपने उसी काम को, उसी मुकाम में कंटिन्यूस लगा हुआ है, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा करेगा। अब गौतम आपको कोटा की जर्नी के बारे में बताएगा कि कोटा की जर्नी किस टाइप की है, कैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्या सिनेरियो है। गौतम, गौतम चौधरी नाम है मेरा। मतलब मैं 2016 में गया था स्टडी करने के लिए कोटा IIT के लिए। मतलब मैं करीब सबसे पहले LLM एडमिशन लिया था मैंने, तो मतलब वहाँ पर 6 महीने स्टडी की थी मतलब मैंने IIT की। तो फिर मतलब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ गया था, मतलब मैं थोड़ी स्टडी वगैरह की छूट गई थी, पढ़ाई वगैरह छूट गई थी वहाँ से। तो मतलब फिर सर से मुलाकात हुई थी मेरी, मतलब मैंने इससे कोचिंग लेता था, तो मतलब फिर JC कोचिंग लेता था, फिर सर से मुलाकात हुई थी। मैंने सर को बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे समझाया था मतलब कि अभी मतलब इस वगैरह इस चक्कर में मत पर, पहले मतलब अपनी पढ़ाई कर, अपना एग्जाम क्लियर कर। पर वहाँ कुछ फिर 2-3 महीने स्टडी की, पर फिर नहीं हो पाया। फिर मैंने सर को बताया, फिर सर ने मतलब बताया कि फिर इस हिसाब से मतलब ये काम करना है तुझे। तो जैसे ही हम लोग की मुलाकात हुई, तो मैंने पहले गौतम को बताया कि जो अपना सिनेरियो, जो अपना एज है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वे ऑफ वर्किंग होता है कि सबसे पहले मैं अपने एनवायरमेंट और अपने टारगेट को कम्प्लीट कर लूं, देन मुझे क्या करना है उसको मैं उस तरीके, उस वे में, उस एनवायरमेंट में जाकर अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो डेफिनेटली मेरा अच्छा काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने गौतम को बताया कि अभी तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, तो जैसे गौतम मेरे से पहले दिन आके मिला तो उन्होंने बोला कि सर मैं मथुरा से, और ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने गाइड किया, बेटा अभी जो आपका जो मिशन और मोटो है डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है, और आपको करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, बट आप सबसे पहले अपना टारगेट वो अचीव कर लो जहां में एक बार जाने के बाद एक स्टेबिलिटी मिल जाए लाइफ में, देन अपने काम को कंटिन्यू करना। तो बाद में भी फिर इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किए, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं सर मेरा तो इसी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें एस्ट्रोफिजिक्स से लेके, फिजिक्स से लेके, मैथमेटिक्स से लेके काफी हम लोगों ने सपोर्ट किया। उसने धीरे 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 उस चीज को, और अब मेंटरशिप में रहते 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 काफी इन्होंने कोटा में काम किया, फिर कोटा के बाद अपने घर भी शिफ्ट हुए, घर पर भी रहकर इन्होंने काफी काम किया, रात दिन लोगों ने इसमें काम दिया। तो इसका एक मोटो तो जो हमारी यंग जनरेशन उसको यह जाता है कि जो लोगों के अंदर जो आजकल जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो अगर हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो डेफिनेटली बात है मुझे उसके लिए सैक्रिफाई करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, जो कि आजकल लोगों के पास है नहीं। तो मैं ऐसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूं कि जैसे गौतम ने अपनी एक बस्ट कंडीशन में रहकर जो काम किया है, हर इंसान को अपनी लाइफ में ऐसे करना चाहिए। और जब भी आप किसी एजुकेशन के बारे में या किसी मेंटरशिप के या कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि आप इस चीज को कैसे सही वे में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे काफी गौतम चौधरी ने बात की, और अभी ये अपनी उस थीम में और भी लगे हुए और बड़े लेवल पर लेके जाए, और डेफिनेटली में हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। और इन्हीं के नाम से हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जो हमारा एरिया है, चाहे मथुरा डिस्ट्रिक्ट हो या अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे जो फाइनेंशियल वीकर है, इनके नाम से हम लोग अभी एक प्लेटफॉर्म बना के इन्हें देने वाले हैं, और वहां से ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे
जो कि ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं। और ये हमारी क्लासेस 6th क्लास से लेकर 12th क्लासेस होंगी, जिसमें बोर्ड का कंटेंट भी कवर होगा और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट के ओलंपियाड होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उनमें सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लस उन्हें टाइम टू टाइम मेंटरशिप भी किया जाएगा कि अगर आप ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं उसके लिए क्या सही रिसोर्सेज हैं, किस टाइम उनके एग्जाम्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं गौतम चौधरी के नाम से। ठीक है, अब गौतम चौधरी और अपनी तरफ से क्या ऐसे युवाओं को बताना चाहते हैं वो आपको बताएं। बस यही है मेरा मतलब, यही है युवाओं कहना कि अगर किसी भी चीज को करते हो, किसी भी काम को करते हो, मतलब पूरे ध्यान से, ये नहीं कि मतलब ये नहीं मिलेगा तो दूसरे पे चले जाएंगे, मतलब एक अपना एक ऐसा एम बनाओ कि मुझे वहां पर पहुंचना है। और ये तो है नहीं कि एक साथ किसी को हर चीज मिल जाए, सबको धीरे धीरे एक एक करके मिलती है, एक एक बिल्कुल एक सीढ़ी वाइज चढ़ो, ये नहीं कि एक साथ 5 सीढ़ी नाक रहे हैं, 2 सीढ़ी नाक जाएंगे लास्ट, ये नहीं कि 5 नाक रहे हैं, 6 नाक रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके, मतलब एक मतलब लगे रहो कैसे भी करके। गौतम चौधरी, हमारे पढ़ाने के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, मतलब हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है पढ़ा, बच्चे के साथ इंटरेक्शन का, पढ़ाने का, वो आपको कितना इफेक्टिव लगा? मतलब ये भी सर, मैं कोटा में मतलब कई कोचिंग, मतलब कोचिंग तो मैं एलएम से लिए, मतलब वहां पर चक्कर क्या है, मतलब टीचर आएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब ये कि किसी बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उठ के दोबारा उसी क्वेश्चन को पूछ लें, क्योंकि अगर वो बताएगा तो मास्टर उससे भी बेकार बताएगा, जो पहले बताया था उससे भी बेकार बता के चला जाएगा, बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर मैं आपको मतलब पढ़ाता, मतलब आपका वो चीज़ है कि बच्चा अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा, मतलब उस हिसाब से पढ़ाना है, चाहे एक दिन में, मतलब चाहे एक दिन में तो एक पेज पढ़ाओ, मतलब एक चैप्टर का एक क्वेश्चन पहला अगर आप पढ़ाओ, मतलब ये कि बच्चे की समझ में आ जाए अच्छी तरह से, मतलब बच्चा समझेगा हाँ मैं पढ़ाया कुछ। तो एक्चुअल में है क्या, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग होता है फाइनली ये होता है कि बच्चे को बहुत उल्टा सीधा कंटेंट ना पढ़ा के, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको सही दायरे में पढ़ा के, और जो सोचने का वक्त देना चाहिए। अभी जो अभी इंडिया में जो कल्चर है वो केवल एक कॉम्पिटेटिव एक पर्टिकुलर रेडियस और पर्टिकुलर दायरे में रहता है कि आपको इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करना है, चाहे वो उसे सीख पाए नहीं सीख पाए। बट हमारा थ्योरी, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, कि बच्चे को अगर सब्जेक्ट आना चाहिए और बहुत उल्टा सीधा कंटेंट ना करके पर्टिकुलर कंटेंट, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए और बच्चे को सोचने का टाइम मिलना चाहिए, वही एक बच्चे को सक्सेस और उसके लाइफ में उसे स्किलफुल बनाने का एक तरीका होता है। तो मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जो आपका वे ऑफ वर्किंग है स्किलफुल होना चाहिए और टाइम लेके रहना चाहिए, और जिस मुकाम को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको 100% आपका डेडिकेशन चाहिए, और उस अगर आप उस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरी लाइफ का 3रा साइंटिस्ट है जो अभी जूनियर साइंटिस्ट से डिक्लेयर हो चुका है, इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोग 2 साइंटिस्ट दे चुके हैं। तो आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा नजरिया है, वो यही है कि आप सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दें, और अगर आपको सब्जेक्ट आता है डेफिनेटली सक्सेस तो आपको